अपडेट करें आपको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज कान्हा मवेशी मंडी लाहौर में जलसा करेगी। तैयारियां जारी हैं, कारकुनों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसी पर बात करेंगे हसन अमान से, जो इस वक्त जलसा गांव में मौजूद हैं। हसन अमान, आगाह कीजिएगा, कारकुनों की कितनी बड़ी तादाद वहां पर पहुंचना शुरू हो गई है? हसन से दोबारा राबता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज कान्हा मवेशी मंडी लाहौर में जलसा करेगी। तैयारियां जारी हैं, कारकुनों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जबकि वहां पर इस वक्त स्टेज बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। कुर्सियां लगाई जा रही हैं जलसा गाह के अंदर और कारकुनान भी बड़ी तादाद में मुख्तलिफ शहरों से इस वक्त जलसा गाह में पहुँच रहे हैं। हमारे साथ हसन अमान मौजूद हैं। हसन, आगाह कीजिएगा, कितनी बड़ी तादाद वहाँ पर आप कारकुनों की देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस टाइम मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जहाँ पावर शो होने जा रहा है उसी पंडाल में ही मौजूद हूँ, कान्हा में मौजूद हूँ। और यहाँ पर गर्मी की शिद्दत जो है, अवदत जो है, वो भी आपोताप से जारी है। और दूसरी जानब अगर कारकुनों की आमद का सिलसिला बताऊँ तो वो भी वक्तन वक्तन जो है वो जारी है। दूर दराज शहरों से जो है वो शहर कारकुनान जो है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। स्टेज अलबत्त अभी तक नहीं लगाया जा सका, कुर्सियाँ ही बाकायदा तौर पर आप देख रहे हैं कि उनको जो है वो लगाने की कोशिश की जा रही है। पहले जो है वो कह रहे थे कि 500 के करीब कुर्सियाँ जो है वो अब लग चुकी हैं, अब बताया जा रहा है कि 900 के करीब जो है वो कुर्सियाँ लग चुकी हैं, लेकिन कुर्सियाँ जो है वो 10,000 के करीब यहाँ पर लगाई जानी है। अलबत्त देखना यह है कि 10,000 कुर्सियाँ जो है वो कितनी देर तक यहाँ पर लगा सकते हैं। 2 बजे का वक्त दिया गया है, 2 बजे जलसा जो है वो स्टार्ट हो जाना है, लेकिन पीटीआई लीडरशिप जो है वो भी यहाँ पर आ रही है, बार बार चक्कर लगा रही है, इंतजाम का जायजा ले रही है। और दूसरी जानब कारकुनान जो है वो भी वक्ता वक्ता जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन धूप की शिद्दत इंतहाई बढ़ चुकी है, लेकिन जो कारकुनान का जोश व बलबला है वो भी अरूज पर है। यहाँ पर नारेबाजी हम देखते हैं, सुनते आ रहे हैं कि कारकुनान जो है वो नारेबाजी करते नज़र आ रहे हैं, बानी पीटीआई के नारे करते नज़र आ रहे हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो झंडी है वो भी यहाँ पर मौजूद है, पानी के इंतजाम अब जो है वो करने शुरू कर दिए गए हैं। और जो कैप्स हैं पीटीआई की वो भी यहाँ पर जो है वो एक दूसरे को देने जो है वो लग गए हैं। ओवरऑल अगर बात बताऊँ तो गर्मी के बावजूद भी कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो जलसे में पहुँचना शुरू हो गई है। दूर दराज से काफिले जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन दो रुकावटों की बात करें तो अभी उस तरह से रुकावटें नहीं की गई जैसे पहले हम जो है रात को देख रहे थे कि रुकावटें हुकूमत की जानिब से की गई थी, जलसा गांव में जो है वो लोगों को नहीं पहुंचने दिया जा रहा था, लेकिन अब जो है वो तमाम तर रास्ते जो हैं वो जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो कह रहे हैं कि खुले हुए हैं, लेकिन कारकुनान भी उसी तरीके से जो है वो जोश व वलवले के साथ इसी पंडाल में जो है वो पहुँचना शुरू हो गया। अलबत्त कुर्सियाँ जो हैं वो जो है वो कोताही की हमें नज़र आ रही है कि वो जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। अभी जो है वो 900 कुर्सियाँ ही जो है वो लग चुकी हैं, लेकिन 10,000 के करीब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उनकी जानिब से कहा गया कि 10,000 के करीब जो है वो इस पंडाल में कुर्सियाँ लगाई जाएंगी, उसके बाद जो है वो साउंड सिस्टम अवेज किए जाएंगे, फिर जो है वो स्टेज लगाया जाएगा। ले ना ही यहाँ पर स्टेज अभी तक लग सका है, ना ही यहाँ पर साउंड सिस्टम जो है वो नसब किए जा चुके हैं। अभी तक जो है वो कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं, 900 के करीब जो है वो कुर्सियाँ लग चुकी हैं, मजीद कुर्सियाँ लगाने की तैयारियाँ जो है वो जारी है। कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है, इंतजाम किए जा रहे हैं। जलसा गाह के मनाजिर आपको दिखाए जहाँ पर इस वक्त स्टेज बनाने की तैयारी है, कुर्सियाँ जलसा गाह के अंदर पहुँच चुकी हैं, वो लगाई जा रही हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त मुख्तलिफ शहरों से वहाँ पहुँचना शुरू है। 2 बजे जलसा शुरू होगा और उसके बाद जो है तमाम तर जो इनके तैयारी है वो भी हतमी मराहल में पहुँच जाएगी। हमारे साथ हसन अमान मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया।